हाय गाइस, आज हम फराड़ी ब्रेड बनाते हैं। उसमें पहले राजग्रह के आटे में पहले एक चम्मच नमक डालना है, बाद में एक चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर डालना है। बाद में सब मिक्स कर लेते हैं। बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको रोटी का आटा बनाते हैं ना हम, ऐसा बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना है। एक साथ पानी डालोगे तो वो पतला हो जाएगा और हमारी सेव अच्छी नहीं होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको मिक्स कर लेना है। मैंने एक बाउल जितना राजग्रह का लोट लिया था। इसमें ना ही ऑयल आता है ना ही घी डालना है। अब ये हमारा आटा रेडी हो गया है। देखो, मैं इसका दो पार्ट बना लेती हूँ। एक में से हम सेव बनाएंगे। सेव बनाने के लिए मैंने ये सेव का मशीन है, उसमें ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब मैं ये आटे को उसमें रखती हूँ। और जो दूसरा पार्ट मैंने रखा है वो चाट पूरी जैसा छोटा छोटा पूरी बनाएंगे उसमें से। वो राजग्रह की चाट भी बहुत अच्छी बनती है, तो उसमें से हम वो बनाएंगे। देखो, ये मैंने ऐसे लुआ बना के साइड में रख देती हूँ। वो हम बाद में रोटी जैसा बनाकर कट कर लेंगे। अब पहले हम सेव बनाते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो हम सेव रेडी कर लेते हैं। ये हमारी सेव क्रिस्पी और सॉफ्ट और बहुत टेस्टी होती है। वो चाय के साथ और ऐसे ही हम खा सकते हैं। इसका चेवड़ा भी बना सकते हैं। ये स्लो आंच पे हमको नहीं बनानी है, फास्ट ही फ्लेम पे हमको बनानी है। देखो, ये हमारी सेव रेडी हो गई। देखो कितनी अच्छी लग रही है। अब मैंने ये दूसरा लुआ रखा था, उसमें से रोटी बना ली है। अब हम इसको छोटा छोटा ट्रायंगल शेप में पीस कर लेंगे। इसमें से ये हमारी चाट पूरी बन जाएगी। उसको भी हमको कड़क हो जाए ना तब तक उसको फ्राई करनी है। देखो, ये धीमे धीमे थोड़ा स्लो आंच पे हमको इसको बनाना है। ऐसे सब हम कर लेंगे। ये फास्ट फ्लेम पर करोगे तो थोड़ी वो कड़क नहीं होगी, चाट जैसी नहीं बनेगी। इसे थोड़ी ब्राउन कलर की हो जाए ना तब हम इसको निकालेंगे। देखो, ये हमारी चाट रेडी हो गई। ये भेर में छोटा छोटा पीस इसका क्रिस्पी आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इसे फॉक से सब चाट में करेंगे ना तो ज़्यादा क्रिस्पी होगी, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। आप भी ऐसे करना। ऐसे सब हम फ्राई कर लेंगे। अब ये मूंगफली है, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये साबूदाना की फ्लेम्स है, वो भी होममेड है, मैंने घर पे बनाई है। उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर जरूर करूँगी, वो भी इजी है। देखो कितनी अच्छी कलरफुल लग रही है।
ये पोटैटो चिप्स है वो भी होममेड है, वो भी मैंने घर पे बनाई है, वो उसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूँगी। अब हम पहले एक बर्तन में एक चम्मच जितना ऑयल डालते हैं, बाद में उसमें ये जीरा डालते हैं। ये जीरा गर्म हो जाए ना तब हम इसमें मिर्ची और अदरक डाल देंगे। मिर्ची का छोटा छोटा पीस किया है और अदरक मैंने चॉप कर लिया है और उसमें दो टमाटर डाला है चॉप किया हुआ। अब पूरा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। उसमें एक चम्मच जितना मैं नमक डालती हूँ और एक चम्मच जितना मिर्ची पाउडर और एक चम्मच जितना धनिया पाउडर डाला है और दो चम्मच जितना हम शुगर शक्कर डालेंगे, बाद में पूरा मिक्स कर लेंगे। आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो इसमें मिर्ची, छोटा मिर्ची आता है ना, वो चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। अब दो ग्लास जितना हम इसमें पानी डाल देंगे। ये हमारी फराड़ी तरी बोलते हैं ना, वो रेडी हो जाएगी। अब वो हमारा टमाटर बॉईल हो जाए ना तब तक हमको इसको उबालना है। देखो कितनी स्पाइसी और चटपटी दिख रही है। ये गरम गरम भेड़ में डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखो अब हम ये फराड़ी भेड़ रेडी कर लेते हैं। ये मूंगफली को मैंने मसाला वाला बना लिया है और ये सब मैंने फ्राई किया था वो सब है, और ये आलू है दो बॉईल किया हुआ, उसका छोटा छोटा पीस कर लिया था, और ये सेव है। आइए हम अब फराड़ी भेड़ बनाते हैं। ये धनिया है ऊपर से गार्निश करने के लिए, और ये हमारी चटपटी और स्पाइसी ग्रेवी है। आइए हम पहले भेड़ बनाते हैं। उसमें पहले ये पोटैटो का पीस डालना है डिश में छोटा छोटा, वो सब स्प्रेड कर लेते हैं। बाद में ऊपर से ये चिप्स डालेंगे। और ऊपर से ये साबूदाना की वेफर हमने फ्राई की थी उसका छोटा छोटा पीस क्रंच करके उस ऊपर से स्प्रेड करेंगे। और ये चाट पूरी है उसका थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पीस करके उसमें स्प्रेड करेंगे। वो पूरा पूरा ऐसे भी डाल सकते हैं। और ये सेव है वो ऊपर से डालेंगे हम। और आलू का दूसरा लेयर थोड़ा करेंगे, इसलिए बीच बीच में भी आलू आएगा तो अच्छा लगेगा। और ऊपर से ये मसाले वाली मूंगफली डालेंगे। आप रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। और ये ऊपर से हम स्पाइसी तरी रसा बोलते हैं ना उसको, ये टमाटर का, वो हम इसमें ऐड करेंगे। वो जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही हमारा भेड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो कितनी अच्छी लग रही है, देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है। ये एक डिश जब भी खाओगे ना तो पूरा दिन ऐसे ही अच्छा लगेगा। बाद में ऊपर से थोड़ा सेव डालेंगे और ये ऊपर से गार्निश करने के लिए ये धनिया है। देखो ये हमारी फराड़ी भेड़ रेडी हो गई है, तो दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है।
आपको अच्छी लगी हो तो घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये भेड़ की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं अगली रेसिपी का वीडियो आपसे ज़रूरी शेयर करूँगी।